रायगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में चांदनी अपनी माँ वैशाली के साथ हंसी खुशी से रहती थी। चांदनी बहुत ही शांत और एक अच्छी लड़की थी, लेकिन दिखने में वो बहुत काली थी। उसकी छोटी छोटी आँखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम देखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। चांदनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम छाया था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित थी, जिस वजह से उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। चांदनी के पिता मोहन शहर की एक बड़ी सी कंपनी में काम करते थे ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। जब कभी किसी काम से चांदनी बाहर जाया करती थी तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। चांदनी को सभी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। छाया हमेशा चांदनी से लड़ती ही रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन वैशाली बाजार जा रही होती है तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ, सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ये बता दो, तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊँ? अरे माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है ना, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये छाया की बच्ची मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती है। मुझे छाया के साथ नहीं रहना माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, लेकिन ध्यान रखना, कहीं धूप में तुम और भी ज्यादा काली ना हो जाओ। चांदनी गुस्से में बाहर की ओर चली जाती है। बाहर भी लोग चांदनी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, इसी तरह भी निकल रहे थे। एक दिन चांदनी घर से निकलकर मार्केट से सामान लेने के लिए जा रही होती है तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर चांदनी का मजाक उड़ाने लगता है। अरे देखो देखो, ये तो मिस चांदनी है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़के की ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह चांदनी उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। फिर चांदनी बाजार से फल और सब्जियां खरीदकर अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन चांदनी बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ऐसा कहकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास के पेड़ पर आराम कर रही एक परी पेड़ से उतरती है और चांदनी के पास आकर उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? परी की आवाज सुनकर चांदनी डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर एक परी खड़ी है। आप तो किसी परी की जैसी लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक परी ही हूँ, लेकिन मैं रानी परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रोने की आवाज़ सुनकर आई हूँ। बताओ तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो, क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? रानी परी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ कि क्या बात है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। इसके बाद चांदनी परी को सारी बात बता देती है कि उसके पड़ोस के लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसकी सारी बातें सुनकर रानी परी उसे अपने जादू से एक जादुई मस्कारा देती है और उससे कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मस्कारा है, इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा भी हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस मस्कारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मस्कारे का इस्तेमाल करेगा
तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। चांदनी रानी परी की सारी बात सुनकर हां में सर हिलाकर उसका धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। घर पहुंचकर चांदनी रानी परी के कहे अनुसार वो जादुई मस्कारा अपनी आंखों पर लगा लेती है। मस्कारा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। चांदनी अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन छाया के पास जाती है। वाओ दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अब तुम तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ, मुझे भी तो बताओ। और इस तरह से मासूम चांदनी अपनी छोटी बहन छाया को सारी कहानी सुनाती है। छाया ये सब सुनकर मन ही मन उस मस्कारे को अपना बनाने की ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है, कृपया मुझे भी अपना वो जादुई मस्कारा लगाने दो ना। नहीं मेरी प्यारी बहन, रानी परी ने उस जादुई मस्कारे को मेरे अलावा किसी को देने के लिए मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मस्कारा नहीं दे सकती। छाया को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत होने नहीं देना चाहती है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। लेकिन छाया ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके वो जादुई मस्कारा लगा कर ही रहेगी। फिर छाया मन ही मन प्लानिंग बनाती है। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मौका मिलते ही मैं वो जादुई मस्कारा चुरा कर अपनी आंखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर छाया वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह चांदनी के रोजाना वो जादुई मस्कारा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए ही अब सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। चांदनी जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि वो अब उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी चांदनी को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और उससे कहता है, अरे वाह चांदनी, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना, तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर चांदनी वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ छाया चांदनी को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मस्कारा लगाने लगती है। छाया की मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। छाया अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। छाया रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर चांदनी भी आ जाती है। अरे छाया बहन, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम इस जादुई मस्कारे को मत लगाना, अब देख क्या हो गया ये सब। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहोगी। लेकिन छाया के ज्यादा माफी मांगने पर चांदनी छाया को माफ कर देती है और जादुई मस्कारे से बोलकर उसे पहले की तरह वापस खूबसूरत कर देती है। इस तरह दोनों बहनें आगे का जीवन हंसी खुशी से गुजारती हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। ऐश्वर्या बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। फिर जब छोटे भाई अनुराग की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। निशा का रंग बहुत काला था जबकि उसकी जेठानी ऐश्वर्या बहुत गोरी थी। ऐश्वर्या बहुत ही घमंडी और नकचड़ी भी थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। निशा बहुत ही सीधी सादी थी। ऐश्वर्या ने निशा के आते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार ऐश्वर्या की बहन विद्या जब उनके घर पर आई तो, ऐश्वर्या तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या?
अरे अनुराग की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी ही पसंद है। दोनों बहनें कह कहा कर हंस पड़ी। निशा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो बेचारी उदास हो गई। एक दिन जब निशा बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। निशा ने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको बिठाकर पानी पिलाया। उसके हाथों पर चोट लग गई थी तो निशा ने तुरंत अपने रुमाल से उसके घाव को साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम्हें पता है कि शिवनाथ चौक कहाँ पर है? चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ, मैं भी वहीं पर जा रही हूँ। निशा ने एक रिक्शा रुकवाया और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा शिवनाथ चौक पहुँचा तो वो औरत उतर गई और उसने निशा को अपने झोले में से एक मस्कारा निकाल कर दिया और बोली, मैं एक जादूगरनी हूँ बेटी, और ये एक जादुई मस्कारा है, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। निशा ने वो मस्कारा ले लिया और वो जादूगरनी वहाँ से चली गई। निशा ने घर आकर वो मस्कारा खोलकर अपनी आँखों में लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान रह गई और अपने पति से बोली, ये देखिए मैं तो भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अनुराग ने निशा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और फिर बोला, ये कैसे हुआ? तब निशा ने अनुराग को सारी बात बताई। निशा रोज रात को वो मस्कारा लगा कर सोती। उसकी शादी को लगभग एक साल हो गए थे, अब उसकी तो दुनिया ही बदल गई थी, निशा माँ बनने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। ऐश्वर्या तो जल भूलकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन विद्या फिर आई और उसको देखते ही बोली, अरे ऐश्वर्या, ये प्लास्टिक सर्जरी कराकर आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ भी बनने वाली है, घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं। निशा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। ऐश्वर्या को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन निशा को मस्कारा लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब निशा किसी काम से बाहर गई थी, ऐश्वर्या सीधा उसके कमरे में गई और उसके जादुई मस्कारे का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर चली गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही मस्कारा उसके टेबल पर रख दिया। ऐश्वर्या जब सोने गई तो रात में उसने मस्कारा अपनी आंखों में लगा लिया। जब वो सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोते हुए अपनी सास के पास आई और बोली, अरे ये क्या हुआ बहू? ऐश्वर्या ने उनको वो सारी बातें बताई। ऐश्वर्या, जलन की भी कोई सीमा होती है, निशा बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये मस्कारा लगाना शुरू किया है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं, मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती, रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। निशा पीछे खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से अपने काले होने का तंज झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी हैं, बजाय इसके कि आप मेरा साथ देती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल जादुई मस्कारा उसी के लिए है जिसको वो मिला है, मेरा मस्कारा मुझे वापस कर दीजिए। ऐश्वर्या ने उसका मस्कारा चुपचाप उसे वापस दे दिया। ऐश्वर्या ने अपनी मस्कारे वाली डिब्बी रख ली और उसकी रखी हुई डिब्बी उसे वापस कर दी। ऐश्वर्या दिन रात अपने कमरे में ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन ऐश्वर्या रोते हुए
निशा के पास आई और बोली, निशा मुझे माफ कर दो, मैं बदले की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती रही होगी जब सभी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। उसका ये हाल देखकर निशा बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय तसल्ली देने के। ऐश्वर्या बिल्कुल बदल गई थी, निशा के साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब निशा सब्जी लेने बाजार जा रही थी तो अचानक वही जादूगरनी उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। चलिए आज आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो निशा, इसीलिए जादुई मस्कारे ने तुम्हारी मदद की। आप मेरी जेठानी ऐश्वर्या को पहले जैसा कर दीजिए, उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है, वो बहुत पछता रही है, और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकाल कर एक क्रीम का डब्बा उसे दिया और बोली, उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई भी फायदा नहीं होगा। और हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना, समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो जादूगरनी तुरंत वहाँ से गायब हो गई। जब निशा घर आई तो उसने ऐश्वर्या को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये जादुई क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। निशा मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल दूंगी, बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। कुछ ही दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुएं प्रेम से रहने लगी। फिर एक दिन, छोटी बहू तुम्हारी जादुई क्रीम और मस्कारा तो वाकई जादुई है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहुएं मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने कामों में व्यस्त हो गईं। कुछ समय पहले की बात है, किशनपुर के एक जिले में दो बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़ कर बाजार में बेच दिया करती थी, और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने दो परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी, भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वही उसे एक पेड़ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गयी, अब मैं क्या करूँ। अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है, तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है।
उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें दो जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को वो सारी बातें बताती है और जादुई दो मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से दो परियां निकलकर आई थी जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है तभी उसमें से दो परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया, ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी, आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे, मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो, इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी, प्लीज परियों प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है, आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी।